उत्तर प्रदेश में आज खेला होबे वाली राजनीति एक बार फिर देखने को मिली, जहां कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते कई अन्य विधायकों ने भी इस्तीफे का ऐलान किया और आज दूसरे कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई अन्य विधायक अभी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन असल खेला तो इसके बाद हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद ही आज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया है, जिसके अनुसार 24 जनवरी तक उन्हें इस मामले में कोर्ट के सामने पेश होना है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। दरअसल यह एक पुराना मामला है, जिसमें सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी तक उन्हें पेश होने का आदेश देते हुए वारंट जारी किया है। साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा महासचिव और नेता प्रतिपक्ष थे। उस दौरान मौर्य ने देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था। इसको लेकर मौर्य के खिलाफ 7 साल पहले धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में पेश न होने पर बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि यह कोई नया मामला नहीं है, दरअसल यह वारंट पहले भी जारी किया गया था, लेकिन तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाई कोर्ट से इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया था। बीती 6 जनवरी को इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें 12 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वह जब बुधवार को हाजिर नहीं हुए तो गिरफ्तारी वारंट को पहले की तरह ही जारी रखा गया। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 24 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दे दिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में घनघोर उथल पुथल मची हुई है, जहाँ एक तरफ कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, वहीं आज एक और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये वारंट सच में कोर्ट द्वारा जारी किया गया है या इस पर किसी एक राजनीतिक पार्टी का दबाव है। आपका क्या मानना है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।